है आज आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेला थलपोज का डिज़ाइन देखिए जो हमने आज लाइव में आपके साथ शेयर किया था, ये देखिए थोड़ा सा इसका, ये देखिए कितनी रो हमने बना ली है। हमें थोड़ा ये बड़ा बनाना था ना, इसलिए देखिए अभी इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट नहीं हो पाया है क्योंकि फ्रेंड्स हमें थोड़ा इसको बड़ा बनाना था। देखिए आज इसका वूल भी ख़त्म हो गया है, घट गया है। देखिए हमने इसकी 1, 2, 3, 4 रो रेड वाली की बनाई है, और देखिए 1, 2, 3 और ये 4 है ग्रीन वाले की, ठीक है। तो सारे की हमने 4 बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में 3 बनी है, 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स 3 बनी है क्योंकि हमारा रेड वाला वूल ही देखिए यहाँ से देखिए ख़त्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमको उसको मार्केट से मंगाना पड़ेगा, फिर बनाएंगे इसको। तो अभी इसमें देखिए फ्रेंड्स, और फिर अब इसके बाद ये हमारा लास्ट स्टेप है। देखिए कितना खूबसूरत ये बन करके तैयार हुआ है थलपोज की डिज़ाइन। अब यहाँ पे एक रो हमको इसकी और बनानी है, फिर ग्रीन वाले से इसकी हम झालर बनाना बताएंगे कि किस तरीके से ग्रीन से इसकी हम झालर बनाएंगे मोतियों को स्टिच करके। फ्रेंड्स ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये थलपोज का डिज़ाइन, इसमें हमने इतनी मोतियाँ लगा, देखिए थर्ड वाला रो भी हमने स्टार्ट करके इसमें मोतियाँ लगा दी हैं। अभी अब केवल हमको मोती लगाना ही रह जाएगा, पूरा हमने ये कम्प्लीट कर ली। जितना बड़ा हमें थलपोज का डिज़ाइन चाहिए था उतना बड़ा हमने देखिए कंप्लीट कर लिया है, बना लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए ऐसे देखिए फ्रेंड्स, और उल्टे साइड आपने देखा ही है इसका, एकदम सिंपल कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर इधर से भी कोई लगाए तो ये नहीं समझ पाएगा कि यहाँ सीधा है या उल्टा। देखिए कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा एक तरीके का ये बन करके कम्प्लीट हुआ है फ्रेंड्स। और बीच में हमने जो फ्लावर स्टिच करना था अभी वो भी नहीं किया क्योंकि हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी एक रो इनकम्प्लीट है, मंगा करके फूल को इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद फिर झालर लगाएंगे इसमें हम। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।